सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। पोकेमॉन वर्ल्ड में अटैक्स का काफी बड़ा रोल है और अभी तक काफी सारे पोकेमॉन अटैक्स इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं और एक सेम अटैक काफी सारे पोकेमॉन के पास होता है और उनका उस अटैक को यूज करने का तरीका भी बिल्कुल सेम होता है। बट कुछ ऐसे पोकेमॉन है जिनकी अटैक बाकी सारे पोकेमॉन के अटैक से काफी ज्यादा अलग दिखते हैं और आज हम ऐसे ही टॉप 10 ऐश के पोकेमॉन को देखेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं नंबर वन के साथ। नंबर वन, स्टोन एज। स्टोन एज एक रॉक टाइप का अटैक है जेन 4 सिनो से। इस अटैक को यूज करने के बाद एनएमए के अंदर ज्यादातर पोकेमॉन पहले जमीन पर एक पंच मारते हैं जिससे जमीन से लगातार काफी सारे रॉक के पिलर्स निकलते हैं जो कि जाकर अपोनेंट पे लगते हैं। पर ऐश के क्रोकोडाइल का स्टोन एज काफी डिफरेंट था, जहां पर इस अटैक को यूज करने के बाद उसके अराउंड 2 रिंग बन जाती थी स्टोन्स की और फिर वो जाकर अपोनेंट पे लगती है। एक बार क्रोकोडाइल ने इनमें से 2 स्टोन्स को पकड़ भी लिया था जिसका यूज करके वो अपोनेंट पे अटैक करता है, जो कि काफी डिफरेंट है बाकी सारे पोकेमॉन के स्टोन एज से। नंबर 2, फ्लायर ब्लिट्स। ये एक फायर टाइप का अटैक है जनरेशन 4 सिनो रीजन से। इस अटैक को यूज करने के बाद एक पोकेमॉन अपने आग को आग से कवर कर लेता है और सामने वाले पोकेमॉन पे टैकल मारता है जिससे उसको डैमेज पड़ता है। ज्यादातर पोकेमॉन का फ्लायर ब्लिट्स रेड कलर का होता है, बट ऐश के इन्फर्नेप का फ्लायर ब्लिट्स काफी यूनिक है क्योंकि जब ऐश का इन्फर्नेप इस अटैक को यूज करता है तो वो रेड या ऑरेंज के जगह पर ब्लू कलर में कवर हो जाता है। यह अटैक बाकी सारे पोकेमॉन के फ्लायर ब्लिट्स से ज्यादा स्ट्रांग भी है क्योंकि आपको पता होगा जब आग ज्यादा गर्म हो जाती है तो उसका कलर ब्लू हो जाता है, यानी कि ब्लू कलर की फ्लेम रेड कलर के फ्लेम से ज्यादा गर्म होती है, जिससे अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि इन्फर्नेप के फ्लायर ब्लिट्स से किसी और पोकेमॉन के फ्लायर ब्लिट्स के मुकाबले ज्यादा डैमेज पड़ता होगा। नंबर 3, साइज्मिक टॉस। साइज्मिक टॉस एक फाइटिंग टाइप का अटैक है जनरेशन 1 कैंटो रीजन से। अगर कोई पोकेमॉन साइज्मिक टॉस का यूज करता है तो वो एक पोकेमॉन को गोल घुमा के फेंक देता है जिसमें इतना फोर्स होता है कि उससे हमारा वर्ल्ड भी अपसाइड डाउन फ्लिप हो सकता है। एनिमे के अंदर भी काफी सारे पोकेमॉन ने साइज्मिक टॉस यूज किया है, बट ऐश के चार्जार्ड का साइज्मिक टॉस सबसे ज्यादा डिफरेंट है क्योंकि साइज्मिक टॉस को यूज करने के बाद वो पोकेमॉन को पकड़ के आसमान में लेकर जाता है, फिर अर्थ के अराउंड गोल गोल घुमा के वो उस पोकेमॉन को जमीन पर वापस फेंक देता है जिससे अभी तक काफी कम पोकेमॉन बच पाए हैं। बाकी सारे पोकेमॉन साइज्मिक टॉस को जमीन पे ही यूज करते हैं, पर चार्जार्ड का साइज्मिक टॉस काफी यूनिक है और दूसरों से ज्यादा पावरफुल भी है। नंबर 4, ऑरा स्पियर। ऑरा स्पियर एक फाइटिंग टाइप का अटैक है जेन 4 सिनो रीजन से। इस अटैक का यूज करने के बाद एक पोकेमॉन अपने ऑरा पावर का यूज करके एक ऑरा बॉल बनाता है जो कि अपोनेंट पे लगती है। यह अटैक ज्यादातर लुकारियो ही यूज करते हैं क्योंकि सारे लुकारियो के पास ऑरा पावर होती है और इस अटैक को यूज करने के लिए ऑरा चाहिए होता है। वेल, सारे पोकेमॉन्स की ऑरा स्पियर की साइज कुछ इतनी होती है, बट ऐश वर्सेस रेहान बैटल में ऐश के लुकारियो ने अपने ऑरा पावर को कॉन्सेंट्रेट करके एक काफी बड़ा ऑरा स्पियर क्रिएट किया था जिससे जाइगेंटमैक्स डुरेलोडॉन हार जाता है। इससे ज्यादा बड़ा ऑरा स्पीयर किसी भी पोकेमॉन का नहीं है। नंबर 5, वाटर शुरिकेन। ये एक प्योर वाटर टाइप का अटैक है जेन 6 कैलोस रीजन से। ये एसएलगोर और ग्रिंजा का सिग्नेचर अटैक है। इसको यूज करने के बाद पोकेमॉन काफी सारे वाटर के बने हुए शुरिकेन को यूज करता है जो कि अपोनेंट को डैमेज करते हैं, पर जब ऐश का ग्रिंजा बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है तो इसका वाटर शुरिकेन काफी डिफरेंट हो जाता है। जहां पर एक नॉर्मल ग्रिंजा अपने हाथ में एक शुरिकेन फॉर्म करता है, पर ऐश ग्रिंजा के पीछे ऑलरेडी एक शुरिकेन होता है जिसको पकड़ के वो शूट करता है। काफी बार ये शुरिकेन नॉर्मल साइज से काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, जैसे कि हमने ऐश वर्सेस बैटल में देखा था। ये शुरिकेन ऑरेंज कलर का भी हो जाता है। ये वाटर शुरिकेन नॉर्मल वाटर शुरिकेन से ज्यादा डैमेज देता है। लुकारियो ने भी अपना जायंट और स्पेयर बनाना ग्रेनिंजा से ही सीखा था। नंबर 6, स्पिनिंग अटैक्स। काफी सारे ऐसे अटैक है जो कि ऐश के पोकेमॉन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से यूज करते हैं, बट काफी बार उन्होंने उस अटैक को घूमते हुए यूज किया है जिससे वो अटैक डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कि सेप्टाइल का लीफ ब्लेड। ये ग्रास टाइप अटैक है जनरेशन 3 होइन रीजन से। ऐश वर्सेस नॉर्मन बैटल में सेप्टाइल ने ग्रोवाइल के फॉर्म में इस अटैक को घूमते हुए यूज किया था जो कि अपोनेंट पे लगता तो नहीं है, बट ये काफी यूनिक था। फिर आता है ऐश के टेलोन फ्लेम का स्टील विंग, जो कि नॉर्मली कुछ इस तरह का होता है जहां पर एक पोकेमॉन अपने विंग्स को स्टील का बना देता है और अपोनेंट को हिट करता है, बट एक जिम बैटल के अंदर ऐश के टलन फ्लेम ने स्टील विंग को स्पिन करते हुए यूज किया था। नंबर 7, ड्रैगन रेज। ये एक ड्रैगन टाइप का अटैक है जनरेशन 1 कैंटो रीजन से। काफी सारे पोकेमॉन ने इस अटैक को काफी सारे अलग अलग तरीके से यूज किया है। ज्यादातर पोकेमॉन एक ब्लू या फिर पर्पल कलर की बीम निकालते हैं अपने मुंह से। ड्रैगनेयर और आर्कनाइन जैसे पोकेमॉन एक ट्विस्टर बना देते हैं। वहीं पर ऐश के चार्जार्ड ने भी ड्रैगन रेज को एक काफी यूनिक तरीके से यूज किया है, जहां पर चार्जार्ड के पूछ क्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है, फिर वो अपने मुंह में एक फायर का बॉल फॉर्म करता है जिसको वो अपोनेंट पे शूट करता है, जो कि यार काफी यूनिक तरीका है ड्रैगन रेज अटैक को यूज करने का।
नंबर 8 सीड बॉम्ब, ये ग्रास टाइप का अटैक है जनरेशन 4 यानी कि सिनो रीजन से। इस अटैक को यूज करने के बाद एक पोकेमोन अपने मुंह से काफी सारे सीड को शूट करता है जो कि अपोनेंट पे लगकर फट जाते हैं। बट ऐश का राउलेट इस अटैक को काफी यूनिक तरीके से यूज करता है, जहां पर सबसे पहले वो अपने मुंह में एक पत्थर रखता है और फिर उसी पत्थर को काफी तेजी से अपोनेंट पोकेमोन के ऊपर शूट करता है, जो कि एक काफी ज्यादा डिफरेंट तरीका है जो कि अभी तक किसी और पोकेमोन ने यूज नहीं किया है। नंबर 9 एश के लुकारियो का डबल टीम। डबल टीम एक नॉर्मल टाइप अटैक है जनरेशन 1 कैंटो रीजन से। ये काफी कॉमन अटैक है जो कि ऑलमोस्ट हर एक पोकेमोन के पास होता है। इस अटैक को यूज करने के बाद एक पोकेमोन अपने काफी सारे क्लोन्स बना देता है जो कि सिर्फ इल्यूजन होते हैं, ये अटैक नहीं कर सकते और कॉन्टैक्ट में आने पे या फिर अटैक लगने पे ये गायब हो जाते हैं। पर जेनेट गलार में एश एक लुकारियो को पकड़ता है, इसके पास भी डबल टीम अटैक है जो कि काफी यूनिक है। नॉर्मली अगर फेक क्लोन्स किसी अटैक का यूज करते हैं तो वो भी फेक होते हैं जो कि अपोनेंट पे नहीं लगते और डैमेज नहीं देते, बट एश के लुकारियो के फेक कॉपीज जो भी अटैक यूज करते हैं वो बिल्कुल रियल होते हैं और अपोनेंट पे डैमेज करते हैं। ऐसा डबल टीम किसी और पोकेमोन के पास नहीं है। और फाइनली नंबर 10 पिकाचू के स्पेशल इलेक्ट्रिक टाइप अटैक्स। तो काफी सारे ऐसे पोकेमोन हैं जिनके पास ऐसी टाइपिंग है या फिर ऐसी एबिलिटी है जिसके चलते उनके ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप अटैक असर नहीं करते, जैसे कि राइडोन और गोलम। ये दोनों ही ग्राउंड टाइप पोकेमोन है जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप अटैक असर नहीं करते, पर पिकाचू ने इन दोनों को इलेक्ट्रिक टाइप अटैक यूज करके हराया है। फिर आता है वॉकनर का इलेक्टिवायर जिसके पास मोटर ड्राइव एबिलिटी थी। इस एबिलिटी के चलते अगर इलेक्टिवायर पे कोई इलेक्ट्रिक टाइप अटैक लगता है तो उसको कोई डैमेज नहीं पड़ेगा, उल्टा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। पर पिकाचू अपने जी मूव का यूज करके इलेक्टिवायर को डैमेज देकर उसको डिफीट भी कर देता है जो कि काफी यूनिक है। तो बस गैस आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, और हाँ पॉकेटफ्लिक्स टीवी को भी डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोबारा मिलते हैं एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन पीस आउट।